हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइप पोजीशंस के बारे में देखेंगे। पाइप पोजीशन एएसएमई सेक्शन 9 QW 122 में पाइप पोजीशंस दिए गए हैं। आज हम पर्टिकुलरली पाइप ग्रुप पोजीशंस के बारे में देखेंगे। पाइप ग्रुप पोजीशंस चार तरीके के होते हैं, 1G, 2G, 5G और 6G। एएसएमई सेक्शन सेक्शन 9 QW 122 में ये चारों पोजीशंस बताए गए हैं। 1G, 2G, 5G एंड 6G चार पोजीशंस होते हैं पाइप वेल्डिंग ग्रुप वेल्डिंग के लिए। पाइप पोजीशंस ग्रुप वेल्डिंग के लिए 1G होता है फ्लैट पोजीशन। हमारा जो ये स्पेसिमेन ये फ्लैट पोजीशन में है, इसमें रहता जो पाइप है उसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं पाइप का एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और वेल्डिंग के दौरान पाइप को हम रोटेट करेंगे सो दैट कि जो हमारा वेल्ड मेटल डिपॉजिट होगा हमेशा ऊपर से डिपॉजिट होगा। पाइप रोटेट होगा, वेल्ड मेटल हमेशा ऊपर से डिपॉजिट होगा। ये 1G पोजीशन है, फ्लैट पोजीशन। 2G पोजीशन को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी कहते हैं। 2G पोजीशन में जो हमारा पाइप का एक्सिस होता है वो वर्टिकल रहता है। जैसा आप देख सकते हैं पाइप का एक्सिस वर्टिकल रहता है, और जो हमारी वेल्डिंग होगी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी। ये जो प्लेन है ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये प्लेन वर्टिकल है। तो पाइप का जो एक्सिस है वर्टिकल प्लेन में है, और जो वेल्डिंग होगी इस प्लेन में होगी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो 2G पोजीशन को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी कहते हैं। जो तीसरा पोजीशन है हमारा 5G है। 5G और 6G दोनों पोजीशन को मल्टीपल पोजीशन ही कहा जाता है, बट दोनों में डिफरेंस है। 5G पोजीशन क्या होता है, इसमें पाइप का एक्सिस हॉरिजॉन्टल ही रहता है जैसा कि 1G पोजीशन में रहता है, लेकिन इसमें हम पाइप को रोटेट नहीं करते हैं। पाइप को रोटेट करने के बजाय वेल्डर जो है चारों तरफ सर घुमा के अपना वेल्डिंग करता है। पाइप स्टेशनरी रहेगा, वेल्डर मूव करेगा और वो वेल्डिंग करेगा। ये 5G पोजीशन है। और 6G पोजीशन में पाइप का एक्सिस 45 डिग्री पे इंक्लाइन होगा। इस पाइप जैसा कि आप देख सकते हैं पाइप का एक्सिस 45 डिग्री पे इंक्लाइन होगा। ये पाइप की एक्सिस है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाती है, 45 डिग्री पे इंक्लाइन होगी और पाइप रोटेट नहीं होगा। पाइप रोटेट करने के बजाय वेल्डर चारों तरफ घूम के वेल्डिंग करेगा। तो ये 6G पोजीशन है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, QW 122 एएसएमई सेक्शन 9 में पाइप पोजीशंस दिए हुए हैं ग्रूव वेल्डिंग के लिए। चार पोजीशंस होते हैं 1G, 2G, 5G और 6G। 1G फ्लैट पोजीशन, 2G हॉरिजॉन्टल पोजीशन, 5G और 6G मल्टीपल पोजीशन, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये पोजीशन समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।